हाय व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंच फ्राइज बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। उनको छील कर इस तरह से हमने कट कर लिया है और इन आलुओं को हमने 3 से 4 बार पानी से धोकर इस तरह से पानी में भिगो दिया है। हमें इस तरह से पानी में आलुओं को 5 मिनट तक रखना है ताकि इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। फ्राइज को बॉईल करने के लिए हमने एक बर्तन में 1 लीटर पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी फ्राइज और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। ये देखिए 3 मिनट हो चुकी है, अब हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि हमें फ्राइज को 3 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना। अब बॉईल की हुई फ्राइज को इस तरह से कपड़े पर फैला देंगे और कपड़े के दूसरे हिस्से से इसे अच्छे से कवर करके इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए इसके पानी को अच्छे से सुखा लेंगे। इस तरह से हमने फ्राइज को अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राइज को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम फ्राइज को इसमें ऐड करके हाई फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। हमें इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद हमने इनको तेल में से निकाल लेना है। फ्राई की हुई फ्राइज को हम इस तरह से पेपर पर डाल के अच्छे से फैला देंगे और 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर फ्राइज को 10 मिनट का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो आपको टाइमिंग का खास ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी है, अब हम फ्राइज को एक बार फिर से फ्राई कर लेंगे। फ्राइज को फ्राई करने के लिए हमने उसी पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें फ्राइज को ऐड करके हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन होने लगे। अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इनको सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए तैयार है हमारी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।